नमस्कार, भाग्योदय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देते हैं दैनिक राशिफल की। दोस्तों, आज जो हमें दैनिक राशिफल भेजा है वह है पटना से प्रजात पसंद जी ने भेजा है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है आज का राशिफल। सबसे पहले देखते हैं मेष जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। घर पर माहौल सुखद रहने वाला है। कार्यालय में आपकी सराहना की जाएगी, मानसिक शांति रहेगी। सेहत के प्रति सचेत रहने की आपको जरूरत है। और अंतिम वृषभ जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप काफी व्यस्त रहेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ी रहेगी, उन्नति के अवसर हाथ आएंगे, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, रिश्तेदारों से भेंट भी हो सकती है। और अंतिम मिथुन जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपके यात्रा की योग बन रही है, खर्च पर नियंत्रण रखना अच्छा होगा। जीवन साथी के सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में सफलता भी हासिल होगी। समय कुछ खास अच्छा नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता है। अब यंत्र कर्क जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप कुछ उलझन भरे समय रह सकता है। कार्यालय में किसी के साथ बहस होने की उम्मीद है। बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। खर्च ज्यादा हो सकता है, वाणी पर संयम रखने की भी जरूरत है। अवयंत्र सिंह जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपका मन पूजा पाठ में लगेगा, धर्म कर्म की ओर प्रवृत्ति बढ़ेंगे, आपकी सराहना की जाएगी, धन लाभ के संकेत हैं, बुजुर्गों की सेवा से पुण्य की प्राप्ति भी होगी। अवयंत्र कन्या जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपके कार्य स्थल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, निवेश को फिलहाल टाल दें, धार्मिक कार्यों में आप हिस्सा ले सकते हैं, धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। अवयंत्र तुला जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज परिवार की जिम्मेदारियां आप पूरे करेंगे, धन लाभ के संकेत हैं, संतान पद से खुशखबरी मिलेगी, प्रसन्नता बनी रहेगी, आज का दिन बेहतर रहने वाला है। अवयंत्र वृषभ जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप किसी अनजान लोगों से सावधान आपको रहने की जरूरत है। रुके कार्य पूरे होंगे, नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं, क्रोध पर नियंत्रण रखना अच्छा होगा, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। अवयंत्र धनु जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप नए विचार आपके आ सकते हैं, धैर्य के साथ काम करें, लाभ होने वाला है, तनाव ना लें, यात्रा पर जाने के योग बन रही हैं, धन लाभ के संकेत हैं। अवयंत्र मकर जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको किसी रिश्तेदारों के यहाँ से दुखद सूचना मिल सकती है, आपके कार्य में बाधा भी हो सकता है, भाग्य का साथ मिलेगा, माता पिता की सेवा से मानसिक शांति मिलेगी। अवयंत्र कुंभ जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको बड़ा लाभ मिलने की संभावना है, कार्यालय में काम ज्यादा होंगे, घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, यात्रा पर जाने की संकेत हैं, खुशखबरी भी मिल सकती है। अवयंत्र मीन जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप उलझन में रहेंगे, शांत रहने का प्रयास करें, कार्यस्थल पर खुशखबरी मिल सकती है, जीवन साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी, संतान पद से सफलता भी मिलने की पूरी उम्मीद है। जी दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल। अब हम आइए आपको बताते हैं कि आज राहु काल का समय क्या है। जी दोस्तों, आज राहु काल 3:12 से 4:52 तक रहेगा। इस समय कोई भी अति महत्वपूर्ण कार्य ना करें, इसके पहले करें या इसके बाद करने की चेष्टा करें। अब हम जानकारी देते हैं दिशा शुल्क की। जी हाँ, मंगलवार को उत्तर दिशा की यात्रा शास्त्रों द्वारा वर्जित है, परंतु अत्यावश्यक होने पर गुड़ का सेवन कर अथवा गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करते हुए यात्रा करने से वर्जना समाप्त हो जाती है। जी दोस्तों, तो ये था भाग्योदय कार्यक्रम। इसमें हमने आपको दैनिक राशिफल के बारे में बताया। और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ दिन।